So let me start today's lecture, and it will be practice on mole concept. Mole concept की practice हमने एक level पहले कर लिया है, अब ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा level, level two पे हम जाएंगे ताकि हम हर तरह का question easily handle कर सके जब भी हमारा paper आए, क्योंकि कल हमें पता है हमारा test है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको उस test में कहीं पे भी कोई दिक्कत आए. ठीक, मैं ये चाहता हूं कि आप उसको आसानी से कर सके. ठीक है, चलिए, तो हमारा काम है मोल कॉन्सेप्ट. पहले सबसे पहले आज जो क्वेश्चन आपका डील करना चाह रहा हूं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ठीक, लेवलिंग शुरू होगी. एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमें कहा फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन नंबर वन 52 amu ऑफ हीलियम. 52 amu ऑफ हीलियम. बी 52 ग्राम ऑफ हीलियम. एंड सी 52 मोल्स ऑफ हीलियम. ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास. सबसे इजी टाइप क्वेश्चन यही है हमारे पास. हमसे ये बोला गया कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 52 amu. ठीक, ये क्वेश्चन आपको प्लस वन में अक्सर मिलेगा पेपर्स में आता हुआ. देखो बेटे, यहां पे सबसे पहला हम इसको निकालेंगे. देखो बेटा, amu जो होता है ना, एटॉमिक मास यूनिट, ये एक एटम का मास होता है. एटॉमिक मास यूनिट में हम एक एटम का मास लेके चलते हैं. तो ऐसे केस में नंबर ऑफ हीलियम एटम्स अगर हम निकालेंगे तो सीधे करेंगे 52 amu अपॉन हीलियम का एटॉमिक मास, दैट इज 4 amu. दैट इज 4 amu. सीधे हमारे पास मास इन amu बाय मास ऑफ वन एटम इन amu, यानी इसका आंसर सीधे आ जाएगा 13 एटम्स. 13 एटम्स आ जाएगा. क्लियर? अगर amu में हुआ तो amu में जो दिया है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, सीधे बस, क्योंकि amu एक एटम के लिए लगता है. अब अगर ग्राम्स की बात की तो नाउ दिस इज गिवन वेट. अगर ग्राम की बात की है दिस इज वेट, और हमें पता है कि वेट के हिसाब से नंबर ऑफ मोल होते हैं, गिवन वेट बाय मोलर वेट. और हमसे पूछा है नंबर ऑफ एटम यानी कि n, दैट इज n डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, क्योंकि ग्राम में हमारे पास वेट मोल्स का आता है ना कि एटम. तो ऐसे केस में हमें n निकालना है, तो n आएगा w बाय m इंटू एवोगाड्रोस नंबर. W by M into Avogadro's number. तो N हो गया यहां पे, W है 52, molar mass 4 into N naught, यानी यहां आंसर आ गया 13 N naught atoms. और N naught की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? N naught की वैल्यू होती है 6.023 into 10 to power 23. तो 13 को 6.023 into 10 to power 23 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल दीजिएगा. तो ये भी क्लियर हो गया. तो पहला तो हमने सीधे ही निकाल दिया, सीधे ही गिवन वेट इन एएमयू बाय एटॉमिक वेट इन एएमयू, जो पहला था. सेकंड क्वेश्चन था, हमें वेट ग्राम में दिया था, तो गिवन वेट बाय मोलर वेट इज इक्वल टू एन बाय एन नॉट. नाउ तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, यानी वी आर गिवन विद स्मॉल एन, एंड स्मॉल एन यहां पे 52 दे रखा है, और हमसे कैपिटल एन पूछा है. तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस नंबर. तो यहां से एन निकलेगा स्मॉल एन इनटू एवोगाड्रोस नंबर. स्मॉल एन यहां पे कितना है, हमें दिया है 52, तो 52 इनटू एवोगाड्रो नंबर, यहां पे 52 एन नॉट एटम्स, ये आंसर आ गया. बोलो बेटा, तीनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए?
तीनों क्वेश्चन समझ में आए? एंड एक जस्ट अ सेकेंड, तो पहला क्वेश्चन बोलो समझ में आया आप सभी को? यू गॉट दिस क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। ये जो आपने फर्स्ट वाला लिखे AMU of HG, फिर उसमें आपने नीचे फोर वाला कैसे किया वो नहीं समझ आया। बेटा एटॉमिक मास हीलियम का कितना होता है बेटे? 4 AMU। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4 AMU। तो हमारे को अगर गिवन मास AMU में है, हमने एक एटम का मास AMU में पुट कर दिया है बेटे, तो 4 इज एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इन AMU। इसलिए तो बेटा यहां पे भी मैंने 4 ग्राम लिया है ना बेटा मोलर मास। ठीक, अगर एक मोल का मास लेंगे बेटे तो वो 4 ग्राम होगा, एक एटम का मास लेंगे बेटा वो 4 AMU होगा। इसलिए जब भी कभी AMU में दिया होता है तो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट AMU में सीधे ले लो नंबर ऑफ एटम आ जाते हैं। अगर वो ग्राम में दिया होगा तो इनटू एवोगाड्रो नंबर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात बेटे? Yes, मोलर मास जो होता है एक मोल का मास होता है, और मैंने पिछली क्लासेस में तुम्हें बताया कि एक मोल का मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, बोलो बताया था ना बेटा, इसलिए ग्राम एटॉमिक मास इज मोलर मास। क्लियर? ओके, अब देखो बेटे ये पहला क्वेश्चन था, इसमें तुम्हें ये बताने की कोशिश की कि AMU जो होता है वो क्या होता है, What do you mean by AMU? ये बताने की मैंने यहां पर करी कोशिश आपके साथ। Now next question करते हैं बेटा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं इससे, धीरे धीरे questions का level मैंने आपको बोला कि हम धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे ताकि आपको clear होता चला जाए। चलिए next question देखते हैं। अब next question हमारे पास आ गया इस तरह का, ठीक, हमें ये बोल दिया गया कि 5.6 लीटर of a gas, 5.6 liter of a gas weighs 20 gram. How many atoms are present in its how many atoms are present in its point in its 40 gram if gas has a formula SOX, ठीक है जी, find X also, हमें यहां पे X भी निकालना है बेटा। तो 5.6 लीटर ऑफ गैस वेज 20 ग्राम, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन इट्स 40 ग्राम इफ गैस हैज फॉर्मूला SOX, find X also। देखो बेटे दो चीजें हैं, एक तो हमने एटम का नंबर निकालना है 40 ग्राम में, और दूसरा एक्स निकालना है। देखो बेटे जब भी कभी किसी चीज का फॉर्मूला निकालना हो, जब भी किसी चीज का फॉर्मूला निकालना हो तो बेटे हमें क्या करना होता है, हमें उसका मोलर मास निकालना होता है। वी हैव टू कैलकुलेट मोलर मास। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे? ये गिवन हमारे पास क्या था? वॉल्यूम था 5.6 लीटर, और ये STP पे होगा, एट STP ये लिखा होना जरूरी है। ठीक, तो 5.6 लीटर एट STP, और उसका वेट जो होगा वो 20 ग्राम दे रखा है। अब तुम अच्छे से जानते हो कि ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर शुड बी इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। ठीक है जी, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। क्लियर? अब यहां से हमें निकालना है मोलर वेट, तो बेटे मोलर वेट यानी यहां चला जाएगा गिवन वेट इनटू 22.4 लीटर बाय वॉल्यूम, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है जी, अब गिवन वेट हमारे पास कितना है बेटे? गिवन वेट है सर 5.6,
और अगर गिवन वेट है हमारे पास 20 और ये कितना है 22.4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 5.6 बट अब दिस सॉल्व इस जब इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी 80 ग्राम तो इसका मोलर मास 80 आ गया। अब हमें ये फॉर्मूला निकालना था, हमें पता था कि मोलर मास ऑफ SOX मोलर मास ऑफ SOX इज इक्वल टू 80 ये हम निकाल चुके हैं। अब हमें ये पता है कि सल्फर का मास 32 होता है, ऑक्सीजन का मास 16x हो गया इज इक्वल टू 80 तो यहां आ गया 16x इज इक्वल टू 80 माइनस 32 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया यहां पे 48 बाय 16 तो x आ गया 3 तो x 3 आ गया therefore फॉर्मूला जो आया फॉर्मूला हमारे पास हो गया बेटा इस कंपाउंड का SO3 फॉर्मूला SO3 हो गया। अब हमें ये पूछा था कि इसके 40 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो बेटे गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू n अपॉन n नॉट तो यहां से n निकालना है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू n नॉट गिवन वेट बेटे हमारे पास कितना आया है 40 मोलर मास कितना आया है 80 इनटू एवोगाड्रो नंबर बट दिस वाज अ मॉलिक्यूल इसमें आंसर किसमें आया बेटे मॉलिक्यूल्स में निकला आंसर किसमें निकल गया मॉलिक्यूल्स में बट यू आर आस्क्ड अबाउट एटम्स नॉट मॉलिक्यूल्स तो नंबर ऑफ एटम कैसे देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कैसे देखते हैं बेटा देखो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है एक सल्फर का और 3 ऑक्सीजन के तो 3 यानी टोटल मिला के 4 तो यहां पे 4 इंटू 40 अपॉन 80 इंटू एन नॉट तो भैया ये कैंसिल कर दो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे यहां से 2 और यहां पे 2 तो 2 एन नॉट एटम्स मस्ट बी द आंसर ठीक 2 एन नॉट एटम मस्ट बी द आंसर तो ऐसे सॉल्व करना है। पहला बात ये थी जब भी जिंदगी में किसी भी गैस का फॉर्मूला निकालना है या किसी भी चीज का फॉर्मूला निकालना है गैस का किसी भी चीज का फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए उसका मोलर मास निकालना है। कल को मान लो सल्फर का आ जाए क्वेश्चन ठीक आपको सल्फर का बोला कि सल्फर है सल्फर S4 भी होती है S6 भी होती है S8 भी होती है ठीक S2 भी होती है कैसे एग्जिस्ट कर रही है हमें यह बताना है तो बेटा उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो और सल्फर को ऐसे मान लो SX उसका मतलब 32x must be equal to molar mass तो उससे तुम्हें x निकल जाया करेगा। तो जब भी किसी कंपाउंड का बेटे आपको मोलर मास निकालना होता है जब भी उसका फॉर्मूला निकालना होता है। बोलो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया जल्दी बोलना यस और नो शाबाश वेरी क्विकली गुड गुड चलो ये क्वेश्चन हो गया। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया This was a question of second type का question हमने बताया ठीक है जी। अगला question देखते हैं बेटे अगला question please see this question this is a very important type of a question ठीक बहुत बार papers में पूछे जाने वाला मजेदार question ठीक। चलिए question लिखिएगा question बोला कि अश्विनी सर प्रेजेंटेड जैकिव An Avogadro number of rupees. Ashwini sir presented Jacob an Avogadro number of rupees. How much time in years? Jacob will take to spend. How much time in air Jacob would take to spend this amount at the rate of 10 lakh rupees per second at the rate of 10 lakh rupees per second क्या हुआ कि अश्विनी सर ने क्या किया कि भैया जैकिब को हमारे जैकिब भैया जी हैं इनको एवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीस दे दिए मजे पर। अब जैकिब ने क्या करना है कि एक सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च करने हैं
तो मैंने पूछा कितने सालों में ये कंप्लीटली इसको खत्म कर देगा, ठीक है? तुक्के नहीं मारने का, सॉल्व करो, ये क्वेश्चन आता है, ठीक? चलो देखो बेटा, इसमें आपको गिवन रुपीस है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीस, और 10 लाख रुपए 1 सेकंड में खर्च करने हैं, ठीक? यस संगत, बिल्कुल सही, 10 लाख रुपए 1 सेकंड में हमने खर्च करने हैं। ठीक, जब हम 10 लाख रुपए 1 सेकंड में खर्च करेंगे तो हम ये बोलेंगे 10^6 रुपीज आर स्पेंट इन, 10^6 रुपीज आर स्पेंट इन 1 सेकंड, ठीक है जी? और तो 1 रुपी कितने में खर्च होगा? 1 रुपी 1/10^6, 1 रुपी कितने में? 1 रुपी आर स्पेंट इन 1/10^6। 10^6 कहां से लिखा बेटा? 10 लाख, 10 लाख मतलब 10^6 हो गया, ठीक? तो 10^6 रुपीज आर स्पेंट इन 1 सेकंड, तो 1 रुपया इतने में खर्च होगा। और हमसे बोला गया एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज, यानी मैं चलो एन नॉट लिख देता हूं, एन नॉट नंबर ऑफ रुपीज आर स्पेंट इन 1 × 10^(n₀), ये सेकंड्स आ गए, ये क्या आ गए? सेकंड्स। लेकिन मैंने सेकंड्स में थोड़ी पूछा है तुम्हारे से, मैंने पूछा एयर में। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द एयर्स, तो इन एयर में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर बनाना होगा। हमें पता है 1 एयर कंटेन्स 365 डेज, तो इसका यूनिट फैक्टर क्या बनेगा बेटा? इसका यूनिट फैक्टर बनेगा 1 एयर अपॉन 365 डेज, और या फिर बनेगा 365 डेज अपॉन 1 एयर, ठीक है, बन जाएगा। फिर हमें यह पता था कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, ठीक? इसके कन्वर्जन फैक्टर 1 डे अपॉन 24 आवर्स, और या फिर 24 आवर्स अपॉन 1 डे, ठीक? तीसरा कन्वर्जन फैक्टर था 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, सीधे ले लिया मैंने, मिनट्स को नहीं किया, सीधे सेकेंड्स में ले लिया, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर 1 आवर अपॉन 3600 सेकेंड, और 3600 सेकेंड बाय 1 आवर। अब ये जो टाइम आया था सेकेंड में आया था, सेकेंड में आया था, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक? सेकेंड को काटना पड़ेगा, तो हमारे पास था एन नॉट अपॉन 10^6 सेकेंड इंटू सेकेंड, नीचे लेना होगा तो यहां आएगा 1 आवर अपॉन 3600 सेकेंड, ठीक है जी? ये कन्वर्जन फैक्टर यूज करेंगे जिसमें सेकेंड नीचे हो, जिसमें सेकेंड नीचे हो, ताकि सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाए। बात आ गई आवर्स में, अब हमें आर्स को कैंसिल करना है, तो वो फैक्टर लेना जिसमें आर्स नीचे हो, वो फैक्टर लेना है जिसमें आर्स नीचे हो, तो बेटा यहां आ जाएगा 1 डे अपॉन 24 आवर्स, 24 आवर्स इंटू, अब क्या हुआ, आर से आर हो गया कैंसिल। अब बात करेंगे डेज की, तो बेटा डेज में हमें ये लेना है, ठीक है जी? ये वाला, तो ये आ गया 1 एयर 1 एयर अपॉन 365 डेज, ठीक है जी? तो बेटा डेज से डेज कैंसिल हो गया, इसलिए बेटा ये टाइम आ गया हमारे पास एवोगैड्रो यानी 6.023 × 10^23 / 10^6, 3600 × 24 × 365, और अब ये आ गया एयर्स में। So this much airs he would take to spend, and that is approximately 1.9 × 10^-10 airs के करीब करीब यह आंसर आ जाएगा। So this answer will be like this, 1.9 × 10^10 airs approximately। बोलो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, यस और नो? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो जल्दी अपना माइक ऑन कर पूछ ले। नेपट्यून से ही जल रही है।
बोलो बोलो शाबाश। केमिस्ट्री हाँ जी नहीं डी केमिस्ट्री है कर रहा। बेटा अपना माइक ऑन रखो, अदरवाइज माइक ऑफ रखो। अगर अच्छा पूछना है तो ऑन करो, अदरवाइज माइक ऑफ रखो बेटा। ठीक है बेटा? सर, हाँ जी बेटा पूछो। ये आपने 1.9 के आगे कौन सा साइन लगाया? 1.9 क्या गए? ये बेटा सिमिलर टू, अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है, सिमिलर टू अप्रोक्सीमेट। ठीक है जी, ओके सर। ओके। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ राइट डाउन अनदर क्वेश्चन, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। ठीक, अब थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार वाला एक क्वेश्चन लेते हैं। अ हस्बैंड प्रेजेंटेड हिज वाइफ, अ हस्बैंड प्रेजेंटेड हिज वाइफ अ डायमंड रिंग ऑफ 2 कैरेट्स। A husband presented his wife a diamond ring of 2 carats. His wife was a chemist. His wife was a chemist. How many carbon atoms did she calculate? How many carbon atoms did she calculate in the diamond? In the diamond, when 1 carat is equal to 200 mg, when 1 carat is equal to 200 mg, सर, बेटे, हाँ मैंने के आगे क्या बताया आपने? हाउ मेनी एटम्स डिड शी कैलकुलेटेड इन द डायमंड, ठीक, व्हेन 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 mg। एक हस्बैंड ने बड़े प्यार से अपनी वाइफ को एक डायमंड रिंग दी, बेटा 2 कैरेट की डायमंड रिंग बंदा बाजार से खरीद के लेके आता है, और जो वाइफ है वो देखती है इसमें कितने कार्बन एटम है ना, इमोशनल अत्याचार, तो देखती कितने इसमें कार्बन एटम है, जबकि 1 जो कैरेट है वो 200 mg है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो कैसे सॉल्व करते हैं? जिस जिसको आता जाता है वो करते जाना बेटा, और जिसको नहीं आता होता है ना वो देखते जाना, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस मैंने दे रखी है उसके अंदर जो आपकी असाइनमेंट्स है। ठीक, देखो बेटे, सबसे पहले हमारे को ये दे दिया गया है कि 1 कैरेट जो है वो 200 mg है, ठीक है जी, और डायमंड रिंग कितने की है? 2 कैरेट की। 2 कैरेट मतलब क्या हो गया? 2 into 200 mg मतलब हो गया 400 mg। बेटा मिलीग्राम को अगर कन्वर्ट कर दे ग्राम में तो डिवाइडेड बाय 1000 करना होगा, मिली इज 10 to power 3 ना, ठीक है जी, तो डिवाइडेड बाय 1000 करना होगा तो 0.4 ग्राम, मिली 10 to power -3 होता है, ठीक, तो 0.4 ग्राम हमारे पास हो गया वेट। अब वेट दिया है, वेट बाय मोलर वेट इज इक्वल टू एन अपॉन एन नॉट, एन ही तो निकालना है, नंबर ही तो निकालना है, तो नंबर इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर। अभी गिवन वेट कितना है बेटा हमारे पास? 0.4 ग्राम है सर। मोलर वेट कितना होता है कार्बन का? 12 होता है सर, इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये तुम्हारा आंसर इसको सॉल्व करके आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने का, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेवल तो भी बढ़ाना शुरू करना है मुझे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीमेंट की तरफ। ठीक, लिखिएगा क्वेश्चन। K40 इज अ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप। K40 इज नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप। हैविंग नेचुरल अबंडेंस, हैविंग नेचुरल अबंडेंस ऑफ 0.012%
ऑफ 0.012% ऑफ पोटेशियम आइसोटोप्स, ऑफ पोटेशियम आइसोटोप्स. सर प्लीज रिपीट. जी, K40 is a naturally occurring radioactive isotope having natural abundance of 0.012% of potassium isotope. How many K40 atoms? How many K40 atoms do you ingest? How many K40 atoms do you ingest by drinking? How many K40 atoms do you ingest by drinking 1 cup of whole milk? 1 cup of whole milk containing 370 milligram of potassium. Containing 370 milligram of potassium. See, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से लिख लीजिएगा. क्वेश्चन कहता है K40 इज नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप हैविंग नेचुरल अबंडेंस 0.012% ऑफ पोटेशियम आइसोटोप्स. हाउ मेनी K40 एटम्स डू यू इंजेस्ट बाय ड्रिंकिंग 1 cup ऑफ होल मिल्क कंटेनिंग 370 mg ऑफ पोटेशियम. आपको कहा एक हमारे पास K40 यानी पोटेशियम 40 करके आइसोटोप है, रेडियोएक्टिव है. इसकी जो नेचुरल अबंडेंस है, नेचुरल अबंडेंस यानी कितना प्रेजेंट होता है, हमने बोला ये 0.012% होता है. क्या बोला? 0.012% होता है जितना भी पोटेशियम हो. हमारी मम्मी ने हमें एक दूध का गिलास दे दिया, उस दूध के गिलास में हमारे पास जो टोटल पोटेशियम है, टोटल पोटेशियम वो 370 mg दे रखा है. कितना दे रखा है? 370 mg पोटेशियम. और हमसे पूछा है कि हमने कितने K40 एटम खा लिए, हमने कितने K40 खा लिए. अब सबसे पहले तो हमें यहां पे निकालना पड़ेगा वेट ऑफ K40. अब वेट ऑफ K40 कितना होगा? बेटा जितना पोटेशियम का सैंपल दिया है उसका इतना परसेंट, जितना पोटेशियम का सैंपल दिया है उसका इतना परसेंट, इजंट इट? पोटेशियम का ये सैंपल दिया उसका इतना परसेंट. तो देखो भाई, हमारे पास इसका मतलब आ गया 0.012 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 370. 0.012 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 370. बेटा ये तो आ गया नेचुरल अबंडेंस इसकी कितनी हुई, ठीक है जी. ये K40 आ गया, ये आ गया मिलीग्राम्स में, हमें वेट चाहिए ग्राम्स में. तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर देना, तो ये आपका ग्राम में आ गया K40 का वेट. दिस इज वेट ऑफ K40. अगर वेट आ गया, नंबर निकालना है, कोई मुश्किल है क्या? तो हम क्या करेंगे, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इज इक्वल टू एन अपॉन एन नॉट. गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इज इक्वल टू एन अपॉन एन नॉट. ठीक है जी, क्लियर बेटा? जस्ट अपना जरा माइक खुद देखे, चेक करें बेटे, एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी एल्स? यस सर. तो बेटे हमारे पास ऐसे करना है W by M into N by N naught. तो हमें N निकालना है, तो N है W upon M into Avogadro number. अब W यहां से निकाल लिया हम, जो भी वेट यहां पे आया होगा उसको निकाल लिया, XYZ जो भी वेट हमने यहां से लिया है वो यहां निकाल लिया बेटा आपने, ठीक है जी, वो निकाल लो. उसके बाद हमारे पास क्या निकालना है, मोलर मास. ये मान लो यहां से एक्स ग्राम आ गया, सॉल्व करके एक्स ग्राम, मैंने सॉल्व नहीं किया, तो एक्स बाय मोलर मास. मोलर मास कितना था इसका? 40 इंटू एवोगैड्रोस नंबर.
ये K40 एटम्स होंगे। मतलब सिंपल है, दूध का जितना वेट दिया उसमें पोटेशियम का जितना वेट दिया उसमें से K40 का इतना परसेंट होना था, तो पोटेशियम का वेट निकाल लिया। वेट आ गया तो गिवन वेट बाय मोलर मास इज इक्वल टू n बाय n नॉट, तो n निकाल लेना है। बोलो बेटे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो माइक ऑन करे पूछे प्लीज। ओके, इसका मतलब सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक, आंसर लिख लीजिएगा। 6.55 × 10^17 आएगा। क्या आएगा? 6.55 × 10^17 आएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया K40 वाला। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लिखवाता हूं मैं आपको। ठीक, लिखिए। लिखिए बेटा क्वेश्चन। क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट। क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट कंटेन्स क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट कंटेन्स 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय वेट। Calculate the number of magnesium atoms. Calculate the weight of magnesium atoms in 2 grams of chlorophyll. Calculate the weight of magnesium atoms in 2 grams of chlorophyll. चलिए शाबाश, जल्दी करना है सबको। सॉल्व करके दिखाना है मुझे। सर एक बार रिपीट कर दो। क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट कंटेन्स 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय वेट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24। चलो शाबाश। यस यस, जल्दी करो, शाबाश। शाबाश जतिन, बिल्कुल सही है बेटा, वेरी वेल डन। सर अभी का क्वेश्चन आप एक बार दोबारा रिपीट कर दोगे? एक्चुअली वो मेरा नेटवर्क कनेक्शन इश्यू था। बिल्कुल बेटा, देखिए क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट कंटेन्स 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय वेट। Contains 2.68% magnesium by weight. Calculate the number of magnesium atoms in 2 grams of chlorophyll. Calculate the number of magnesium atoms in 2 grams of chlorophyll. ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ओके सर। बेटा भाभी का आधा गलत है। देखो बच्चे, हमारे पास सर मैं पूरा लिख रही थी।
सर मैं अभी लिख गलती से एंटर हो गया। जो वेट है टोटल वेट ऑफ क्लोरोफिल, वेट ऑफ क्लोरोफिल बेटे ये मैंने आपको दिया 2 ग्राम, ठीक है जी। और इसमें मैग्नीशियम का जो वेट दिया है, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम वो है 2.56%, यही दिया है या 2.68%। आपको मैग्नीशियम एटम्स पूछे थे तो पहले वेट ऑफ मैग्नीशियम निकालना था, तो वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना था, 2.68% ऑफ 2 ग्राम, यानी 2.68/100 ऑफ 2 ग्राम, ठीक। जब इसको सॉल्व करते दिस कम्स आउट टू बी 0.054 ग्राम। ये तो वेट आ गया बेटा मैग्नीशियम का। अब तुम्हें नंबर निकालना है, तो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इज एन अपॉन एन नॉट, तो एन जो होगा वो आएगा गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर। गिवन वेट इज 0.054, मोलर वेट 24 इनटू एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6.023 इनटू 10 टू पावर 23। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.3 इनटू 10 टू पावर 21 एटम्स। बोलो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? चलो अब मैं तुम्हारा दिमाग चेक कर लू, क्वेश्चन ऐसा ही होगा लेकिन उसमें कुछ और चीज होगी। लिखो बेटा, इंसुलिन कंटेन्स, रादर ऐसे लिखो, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% आयरन बाय वेट। हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% आयरन बाय वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 89600 AMU 89600 AMU। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। जी पहला है बेटा, मैंने बोला हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% आयरन बाय वेट, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% आयरन बाय वेट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज 89600, ठीक, 89600 AMU। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स पर मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम पर मॉलिक्यूल। चलो शाबाश, करने की करो कोशिश, शाबाश आर्यन, गुड। बेटा मैं बहुत बार बोल चुका हूं माइक अपना म्यूट रखा करें, जस्ट गलत हो गया बेटा। जसकीरत सही है, भाविका बिल्कुल सही है बेटा, कबीर बिल्कुल सही है बच्चे। See, आपके पास परसेंटेज ऑफ आयरन जो थी वो 0.25% थी, परसेंटेज ऑफ आयरन वॉज 0.25%, इजंट इट? और जो वेट था मोलर मास वो था 89600 AMU। तो बेटे इसमें आयरन का वेट, वेट ऑफ आयरन वो होगा 0.25/100 इंटू 89600, कैंसिल कर दिया
और कैंसिल करके क्या सॉल्व किया बेटा हमने इसको, ठीक, इसको अपन ने कैंसिल कर देना है, ठीक। फिर कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा एएमयू में। अब बेटा यहां पे वो वेट ग्राम में था ना, ग्राम में, इसलिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया था। अब बेटा हमारे पास एएमयू में है, तो जो हीलियम वाला क्वेश्चन किए थे ना, हीलियम वाला क्वेश्चन वैसे ही होगा कि यहां पे आएगा नंबर ऑफ आयरन एटम्स वेट इन एएमयू 224 एएमयू डिवाइडेड बाय वेट ऑफ आयरन इन एएमयू दैट इज 56 एएमयू। आयरन का वेट होता है 56, ठीक है जी, आयरन का वेट होता है 56। तो एएमयू से एएमयू कैंसिल, आंसर आ गया 4। कितना आंसर आ गया, 4। बेटे सिंपल बात थी, यहां पे एएमयू में था। देखो इन दो क्वेश्चन मैंने इसलिए मिटाया नहीं, ये और ये दोनों सेम रखे। यहां पे क्लोरोफिल में हमारे को जो परसेंटेज दी थी वो थी इतने परसेंट, लेकिन यहां वेट जो था वो ग्राम में दिया हुआ था, तो मैग्नीशियम का वेट ग्राम में आया। जब हम ग्राम में लेते हैं तो मैंने कहा वेट बाय गिवन वेट अपॉन एन बाय एन नॉट करते हैं, पर यहां एएमयू में दिया था, और जब हम एएमयू में लेते हैं तो एएमयू में अभी हमने हीलियम वाले क्वेश्चन में क्या किया, वेट इन एएमयू बाय मोलर मास इन एएमयू नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली निकला था, तो ऐसे इसको एन नॉट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर बेटे हमारे पास ग्राम्स में होता इट मस्ट हैव बीन मल्टीप्लाइड बाय एन नॉट, बट ये ग्राम्स में नहीं था, ये एएमयू में था, तो एज इट इज रहेगा। बोलो क्वेश्चन दोनों में फर्क समझ में आया, और क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, यस और नो? यस सर। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, शाबाश, गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, अब तुम अपना दिमाग लगाइएगा। इंसुलिन कंटेन्स 3.4% ऑफ सल्फर। इंसुलिन कंटेन्स 3.4% ऑफ सल्फर एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन सल्फर एटम। कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। सर कैलकुलेट के आगे क्या बोला आपने? कैलकुलेट मिनिमम मोलर वेट ऑफ इंसुलिन। मैंने कहा कि इंसुलिन जो है इट कंटेन्स 3.4% ऑफ सल्फर, इन वन मॉलिक्यूल एटलीस्ट वन सल्फर इज प्रेजेंट। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है आपसे इंसुलिन का, करिए, शाबाश। शाबाश बेटे आदित्य, गुड बच्चे, बिल्कुल सही है, ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटे, इफ सल्फर इज कितना परसेंट दिया है, 3.4, यस जस्ट कीप इट करेक्ट। इफ सल्फर इज 3.4 ग्राम या परसेंट 100 में से निकलता है ना, परसेंट 100 में से निकलता है ना, यस पानव इट इज करेक्ट, बिल्कुल सही। तो सल्फर इज 3.4 ग्राम, देन टोटल वेट मस्ट बी 100 ग्राम। 3.4% का मतलब 100 में से 3.4, तो अगर सल्फर का वेट 3.4 है तो वेट टोटल 100 होगा, ठीक। अगर सल्फर का वेट 1 होगा, इफ सल्फर ठीक इज 1 ग्राम देन टोटल वेट इज 100 बाय 3.4। अब सल्फर का एक एटम तो है ना, एटलीस्ट
देयर मस्ट बी मिनिमम वन एटम, और वन एटम का वेट कितना होता है 32, सल्फर का एटॉमिक वेट 32. तो इफ सल्फर इज 32 ग्राम देन टोटल वेट इज 100 डिवाइडेड बाय 3.4 इनटू 32. सिंपल बात थी, परसेंटेज इतनी थी, ठीक, और इस हिसाब से इतना था. सो आई थिंक सो इट मेक्स अ सेंस कि 3.4 ग्राम टोटल वेट 100 ग्राम में से, तो अगर हमारे पास इतना है तो कितना होगा. तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन. सो आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट, आंसर कम्स आउट टू बी 941 पॉइंट समथिंग. आंसर 941.18 डिग्री. बोलो बेटा, एम आई क्लियर विद दिस क्वेश्चन, यस और नो? एक्सक्यूज मी सर. जी बेटे. सर ये 32 ग्राम जो आपने कहाँ से लिया? मेरे बच्चे 32 ग्राम अटो सर आप म्यूटेड हो. एम इज एटॉमिक मास सल्फर, तो हमने बोला ना कम से कम एक सल्फर एटम है. ये कहा है ना कि कम से कम एक सल्फर एटम है, तो एक सल्फर एटम तो 32 तो है ही ना, तो हमने इसलिए लिया 32. हमें पता कि अगर 3.4 ग्राम होता तो टोटल वेट 100 होता, और अगर एक सल्फर मिनिममली दिया है तो 32 मिनिममली होना चाहिए, तो उसका टोटल वेट कितना आएगा. बोलो एम आई क्लियर बच्चे? यस सर. ओके, नाउ डू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट विल बी समवर टफर नाउ. चलिए अगला क्वेश्चन करें. कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. What would be weight of carbon monoxide? What would be weight of carbon monoxide having same number of oxygen atoms? What would be weight of carbon monoxide having same number of oxygen atoms? Question कोई मुश्किल नहीं है. Calculate the number of oxygen atoms present in 88 gram of carbon dioxide. What would be the weight of carbon monoxide having same number of oxygen atoms? चलिए शाबाश करके दिखाइएगा. गलत हो गया बेटा ये, जिसने भी मेरे को आंसर दिया था. आर्यन गलत हो गया बेटा आपका आंसर, गर्वित आपका फिर भी सही, आदित सही है. देखो बेटा सबसे पहले हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड जो था उसका 88 ग्राम दे रखा था, 88 ग्राम दे रखा था. दो क्वेश्चन मैं इससे एक से करवाने की कोशिश करूंगा, एक कंपटीशन का, एक जो अभी हमारे को दिया. इधर दो, ठीक है जस किरित इधर ध्यान दो. पहले तो हमसे पूछा इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने, क्या पूछा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इसमें कितने, ठीक यस सही है. अब देखो बेटे हमें इसमें नंबर निकालना है, तो वेट दिया है, गिवन वेट बाय मोलर वेट इज इक्वल टू एन अपॉन एन नॉट, तो जो एन आएगा वो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर. गिवन वेट इज 88, मोलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का 44, एन नॉट
ये मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि गिवन इज मॉलिक्यूल। हमें ऑक्सीजन एटम पूछे तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कितने हैं? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। एक मॉलिक्यूल में दो हैं तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 2 × 88/44 ठीक एंड नॉट। अब ये एटम्स होंगे तो बेटे ऑब्वियसली आप यहां पे 4 N0 एटम ऑफ ऑक्सीजन निकाल दिए ऑफ ऑक्सीजन। ये पहला पार्ट है हमारे। अब दूसरे पार्ट में हमें बोला कि कार्बन मोनोक्साइड में जितने इतने ऑक्सीजन एटम अगर कार्बन मोनोक्साइड में हो तो उसका वेट कितना होगा। देखो बेटे 1 carbon monoxide contain 1 oxygen। एक कार्बन मोनोक्साइड में एक ऑक्सीजन है ना, तो अगर यहां पे मेरे पास एन नॉट ऑक्सीजन एटम होंगे तो ये भी 4 × N0 ऑक्सीजन एटम होंगे तो ये भी 4 × N0 होंगे कि नहीं, क्योंकि एक कार्बन मोनोक्साइड एक ऑक्सीजन कंटेन करता है तो जितने ऑक्सीजन है उतने ही कार्बन मोनोक्साइड है कि नहीं, इसलिए ये नंबर है कार्बन मोनोक्साइड का। तो एन अपॉन एन नॉट शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। ठीक, हमसे वेट पूछा था तो वेट इज एम अपॉन एन नॉट इंटू कैपिटल एम। एन हमारे पास दिया है 4 N0 डिवाइडेड बाय एन नॉट, मोलर मास 28 हो गया इसका, ये कैंसिल कर दो, आंसर 112 ग्राम आ गया। बोलो बच्चे सॉल्व समझ में आया कि नहीं आया? कार्बन मोनोक्साइड वाला स्टेप दोबारा बता दो। बिल्कुल बेटे, देखो बच्चे इसमें क्या है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन के एटम इतने निकाले हैं, हमने ऑक्सीजन के एटम इतने निकाले हैं तो एक मॉलिक्यूल में एक है तो जितने एटम है उतने ही तो हमारे पास ये कार्बन मोनोक्साइड की, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक एटम है तो 4 × N0 में 4 × N0 ही तो कार्बन मोनोक्साइड होगा तो कार्बन मोनोक्साइड का नंबर हो जाएगा। से इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं ठीक समझने के लिए। मैंने कहा फाइंड द नंबर, फाइंड द वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब मैंने बोला कि मेरे को सल्फर डाइऑक्साइड का वेट बताओ जिसमें सेम नंबर ऑक्सीजन एटम। अब क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड में तो ये होगा कि 2 oxygen होंगे तो 2 oxygen आर प्रेजेंट इन 1 sulfur dioxide तो 1 oxygen इज प्रेजेंट इन 1/2। अब यहां ऑक्सीजन एटम कितने आए थे? 4 N0 ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 1/2 × 4 N0 यानी 2 N0 एटम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 2 N0। समझ में आया? सल्फर डाइऑक्साइड में 2 oxygen है यानी 2 oxygen एक मॉलिक्यूल में है तो एक कितने? सर यू आर म्यूटेड। ये मॉलिक्यूल थे हमारे पास, इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें हमें आगे नंबर ऑफ क्या निकालने हैं? हमें वेट निकालना है सल्फर का वेट। तो अब हमें पता है कि n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू w अपॉन m, तो n है 2 N0 डिवाइडेड बाय n नॉट, वेट हमें निकालना था और सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 64 होना था, ये कैंसिल तो वेट 2 × 64 यानी 128 ग्राम आंसर आ जाता अगर सल्फर डाइऑक्साइड होता। बोलो बेटे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यहां पे ऐसा था, यहां पे था एक एटम में एक ऑक्सीजन था तो हम बोल सकते थे 1 oxygen forms 1 carbon monoxide, तो हमारे पास कितने थे? 4 N0 oxygens form
कितना 4N0 कार्बन मोनोक्साइड, तो कार्बन मोनोक्साइड का नंबर 4N0 था तो वो पुट कर दिया हमने। अगर सल्फर डाइऑक्साइड होता तो दो मॉलिक्यूल, दो ऑक्सीजन से एक मॉलिक्यूल बनता, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता तीन ऑक्सीजन से एक मॉलिक्यूल बनता। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। सॉरी सल्फर वाला वापस समझा दो। बेटे यहां पे ध्यान दो बच्चे, हमारे पास दो ऑक्सीजन एक सल्फर डाइऑक्साइड में है, तो टू ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वन सल्फर डाइऑक्साइड, तो वन ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट इन 1/2 और कितने 4N0, ये हमने 4N0 निकाले थे ना, तो 4N0 कितने में प्रेजेंट होंगे 1/2 × 4 4N0, तो 2N0 आ गया कि नहीं, तो 2N0 नंबर आ गया, बस बाकी वैसे ही करना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। अगर यहां सल्फर ट्राइऑक्साइड होता, अगर यहीं पर सल्फर ट्राइऑक्साइड दिया होता तो हमें पता है कि इसमें क्या होता, तीन ऑक्सीजन होते। अब इस केस में हम ऐसे करते हैं कि थ्री ऑक्सीजन फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन कितना वन सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो वन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1/3 और मान लो यहां 4N0 निकला था तो 4N0 विल बी प्रेजेंट इन 1/3 × 4N0, तो ये नंबर हो जाता सल्फर ट्राइऑक्साइड का, सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, यानी ये n होता, फिर n/N0 = W/m, ऐसे सॉल्व कर लेते। बोलो अभी समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? यस सर। ओके अब चलो बेटा एक बहुत ही डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देते हैं, बहुत डिफिकल्ट, ठीक। आपको बोला बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं होता एक्चुअली, सिर्फ क्या है कि क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगता है, होता कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती दुनिया में, ठीक। हमें बोला फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 20 ग्राम ऑफ अ गैस हूज डेंसिटी इज 1.5 ग्राम/मिलीलीटर। लो जी क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 20 ग्राम ऑफ अ गैस हूज डेंसिटी इज दिस मिलीलीटर एट एसटीपी। एसटीपी दिया रहना जरूरी था, ठीक। अब इसमें हमें पूछा है इतने ग्राम में कितने एटम होंगे, या पहले हमें पूछ लिया होता ये कौन सी गैस होगी, ठीक। जस्ट Now see, इस क्वेश्चन में बोला फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 20 ग्राम ऑफ द गैस हूज डेंसिटी इज 1.5 ग्राम/मिलीलीटर एट एसटीपी। हो सकता है पहले हमें इसका गैस ही पूछी होती, गैस कौन सी, नीचे चार फॉर्मूला दिए होते, बोलते कौन सी गैस है, तो बेटा गैस निकालने के लिए पहले मोलर मास निकालना, और इसके लिए भी हमें पहले मोलर मास निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिंपल बात यह थी, इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेंसिटी, बेटा ध्यान से समझना। इसका मतलब यह है कि अगर मेरा वेट 1.5 ग्राम है तो उसका वॉल्यूम 1 मिलीलीटर है। डेंसिटी का मतलब यही होता है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमें दिया था 1.5 ग्राम/मिलीलीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेट 1.5 ग्राम है और वॉल्यूम 1 मिलीलीटर है। अब इससे मोलर मास निकाला जा सकता था, इससे मोलर मास बहुत आसानी से निकाला जा सकता था, कैसे, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वी अपॉन 22400 मिलीलीटर। सर
यहां 22400 क्यों लिया आपने? क्योंकि बेटे ऊपर मिलीलीटर में था ना मेरे बच्चे, तो मैंने इसलिए इसको 22400 मिलीलीटर लिया, ताकि मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसल आउट हो जाए। ठीक, अब देखो बच्चे, गिवन वेट हमारे पास था 1.5, मोलर मास हमें निकालना था, वॉल्यूम था 1, नीचे 22400 मिलीलीटर था मेरे बच्चे, मतलब वो कैंसल हो गया, तो मोलर मास आ गया 1.5 इंटू 22400, ये मोलर मास आ गया। अब हमें इसमें पूछा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, इस क्वेश्चन में छोटी सी गलती ये भी हमें ये बताना चाहिए था, मोनोटॉमिक गैस, ये एक ही एटम की बनी हुई है, मोनोटॉमिक गैस, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एटम पूछे डायटॉमिक होती तो डबल भी हो सकता था, ट्राइटॉमिक होती ट्रिपल भी हो सकता था, तो मोनोटॉमिक गैस है। तो अब मोलर मास आ गया, गिवन वेट हमें दे दिया गया, तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू एन अपॉन एन नॉट, और अब तुम्हें एन निकालना है, तो एन आएगा डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एवोगैड्रो नंबर। सो डब्ल्यू अब हमारे पास आया 20, एम कितना निकला 1.5 इंटू 22400 इंटू एन नॉट एवोगैड्रो नंबर। बोलो कैन वी कैलकुलेट दिस आंसर और नॉट, जल्दी बोलना यस और नो। समझ में आया कि नहीं आया बेटा जी? चलिए, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने ये जो डेंसिटी ली वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम था, तो ये वेट हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, और उसने मोलर मास निकाल लिया। मोलर मास से हमें गैस पता चल जाएगी, अगर कभी गैस दी तो गैस पता चल जाएगी। तो यहां से गैस का मोलर मास लिया, और उससे आगे नंबर पूछा था, तो फिर फॉर्मूला लगा के फिर से हमने सॉल्व कर लिया। इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसी तरह से थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करने ही है, इजी से काम नहीं बनता है भाई। ठीक, कई बार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, उसको ध्यान देना होता है। ठीक, माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल बेटा, किस किस को मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं है राइट नाउ? मोनोटॉमिक का मतलब है स्नेहा एक एटम से बनी हुई, अगर डायटॉमिक होती नंबर ऑफ एटम ट्वाइस हो जाता। ठीक, ओके सर। जी बेटे बोलो। सर कल के टेस्ट में आएगा ये वाला? सब आएगा, ये तभी करवा रहा हूँ तुम्हारे को मैं, सारा लेवल आपको इंक्रीज करके दे रहा हूँ, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि सर ये नहीं वो नहीं, सब आएगा। ये लिखो, फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड From 200 milligram of carbon dioxide, ten to power 21 molecules are removed from 200 milligram of carbon monoxide. 10 to power 21 molecules are removed. How many moles of carbon dioxide are left? Sir, how many? From 200 milligram, from 200 milligram of carbon monoxide, from 200 milligram of carbon monoxide, 10 to power 21 molecules are removed. 10 to power 21 molecules are removed. From 200 milligram of carbon monoxide, 10 to power 21 molecules are removed. Find the number of moles left.
कितने मोल बचे? इजिएस्ट मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, इजिएस्ट मोस्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट जो बचे होंगे वो मोल कितने हैं। नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, इनिशियल मोल्स माइनस रिमूव्ड मोल्स, ठीक है जी। इनिशियल मोल्स के लिए हमें वेट दे रखा है, इनिशियल मोल्स के लिए वेट दे रखा है 200 mg, यानी 0.2 ग्राम, 200 mg इज 0.2 ग्राम, और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मास 44, ये इनिशियल मोल्स है। और रिमूव्ड मोल के लिए नंबर दे रखा है, रिमूव्ड मोल्स उसके लिए नंबर दे रखा है, तो 10^21 डिवाइडेड बाय 6.023 इनटू 10^23, ठीक है जी। बेटे इसको यहां पुट कर दो, बच्चे इसको यहां पुट कर दो, इजीली आंसर निकाल लो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन तुम करेंगे विदाउट मेरी मदद के, विदाउट मेरी मदद के, ठीक। हार्ड वर्क करने का, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप होगा बट करने की कोशिश करेगा, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट कि हो ही ना, ठीक। लिखो भाई, अ कोटिंग ऑफ कोबाल्ट that is 0.005 centimeter thick sir, can you repeat from starting? A coating of cobalt that is 0.005 centimeter thick is deposited on a plate, that is 0.5 meter square in total area, how many atoms of cobalt were deposited? On the plate, when density of cobalt is, when density of cobalt is 8.9 gram per centimeter cube, and atomic mass of cobalt is 59. Question फिर से सुन लो, a coating of cobalt that is 0.005 centimeter thick is deposited on a plate that is 0.5 meter square in total area. How many cobalt atoms must be deposited on the plate? Density is 8.9 gram per centimeter cube and atomic mass of cobalt is 59 amu. चलो करो फटाफट से।
चलो शाबाश, जल्दी करना। शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा सा गलत आ रहा है, आंसर ठीक करो इसको। देखो बेटे, आपको नंबर ऑफ कोबाल्ट एटम्स पूछे, ठीक है जी? यही था, हाउ मेनी नंबर ऑफ कोबाल्ट एटम। तो नंबर कैसे निकालना था, एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एन, हमें एन निकालना था, तो डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एन नॉट। एन नॉट हमें पता था, ये पता था, वेट नहीं पता था, हमें वेट चाहिए था। वेट को हमें यहां पे दो चीजें दे रखी हैं, एक थिकनेस दे रखी है, थिकनेस वो दे रखी है 0.005 सेंटीमीटर, ठीक, और एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर है ना? हाँ जी, ठीक है, टोटल एरिया। डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे चाहिए था वेट, तो वेट होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो पहले वॉल्यूम निकालनी होगी, वॉल्यूम होगा एरिया इनटू थिकनेस। सिर्फ फर्क कितना रहेगा कि थिकनेस आपकी मीटर स्क्वायर में है, उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, दैट इज 0.5 इंटू 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 10^2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो उसका स्क्वायर करेंगे 10^4 हो जाएगा, तो एरिया आ गया 0.5 इंटू 10^4, ठीक, इंटू थिकनेस 5 इंटू 10^-3, इसको चेंज कर दिया मैंने, ठीक, सो 25 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 25 मिलीलीटर बोल लो, सेंटीमीटर क्यूब बोल लो, जो भी बोल लो, तो वॉल्यूम आ गया ये, डेंसिटी 8.9 दे रखी है मैंने, डेंसिटी 8.9 दे रखी है, यहां से वेट निकाल लो, वेट निकल गया, इस वेट को यहां पुट कर दो, मॉलिक्यूलर मास दिया था, नंबर निकल आएगा। बोलो समझ में आया क्वेश्चन? Yes, the answer will be 2.27 into 10^24 atoms. 2.27 into 10^24 atoms. Now, I'm writing some questions of homework जो मैंने आपको बोला शाम तक आपने deposit करवाने हैं, ठीक? तो लिखिएगा, how many atoms of each kind are present in, how many atoms of each kind are present in 143 gram of washing soda, ठीक, 143 gram of washing soda, ठीक, that is Na2CO3 into 10 water molecule, ठीक, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू लिखेंगे Find out the number of moles. Find out the number of moles of phosphorus
of phosphorus. Find out the number of moles of phosphorus in 92.9 gram of phosphorus. Gram of phosphorus. Assuming molecular formula of phosphorus, assuming molecular formula of phosphorus P4. ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 2.7 ग्राम ऑफ अल्मोनियम 3 पॉजिटिव आयंस. आपको फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन 2.7 ग्राम ऑफ अल्मोनियम 3 पॉजिटिव आयन. 3 पॉजिटिव बनता 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद. ठीक है जी, ठीक. क्वेश्चन नंबर थर्ड ये हो गया. फोर्थ, अ कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन है 20% नाइट्रोजन बाय वेट, बाय वेट. व्हाट इज इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इफ इट कंटेन्स 4 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन पर मॉलिक्यूल. 4 एटम ऑफ नाइट्रोजन पर मॉलिक्यूल. एंड क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है. क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है आपने. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया एट 273 डिग्री केल्विन एंड 2 एटमोसफेयर प्रेशर. सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस यू हैव विद यू फॉर योर होमवर्क, which you have to submit till 11 o'clock. Clear? Yes, Vedansh, what do you want to ask? Jaldi puchhe. Sir, aaj physics ka homework nahi mila to sirf chemistry ka PDF dalenge to confusion to nahi hogi ma'am? Nahi beta. Mil gaya physics ka sir. Mil gaya.